गाइस टाइटैनिक शिप करीब 111 साल पहले अंधेरी रात में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। उस अंधेरी रात में ज्यादातर यात्री नींद में सो रहे थे। जब ये हादसा हुआ तो जहाज करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। जहाज इंग्लैंड के साउथैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर था। साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में पूरा जहाज समा गया। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। आज भी इस हादसे को सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। अब इस बीच एक बेहद हैरान कर देने वाली बात सामने आई। दरअसल एक छोटी पनडुब्बी लोगों को टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए ले गई थी, जो चालक दल के साथ 19 जून से अटलांटिक महासागर में लापता हो गया। अभी तक इस पनडुब्बी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कंपनी की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि समुद्र में पनडुब्बी कहाँ लापता हुई। अब लापता पनडुब्बी का पता लगाने के लिए एक खोज और बचाव अभियान की शुरुआत की गई है। पनडुब्बी सबमर्सिबल की खास बात यह है कि वो अपने साथ एक बार में 5 लोगों को ले जा सकती है। अमेरिकी तटरक्षक बल की तरफ से कहा गया है कि लापता सबमर्सिबल में 5 लोग सवार हैं। सभी लोग 111 साल पहले डूबे जहाज टाइटैनिक के मलबे के दस्तावेजीकरण करने के अभियान पर गए हैं। बताया गया है कि लापता पनडुब्बी सबमर्सिबल की तलाश के दौरान पानी के अंदर से आवाज आने के बारे में पता लगाया गया है। अमेरिकी तटरक्षक बल का कहना है कि कनाडा के पी-3 विमान की आवाज का पता लगाया गया है, जिसके बाद खोज अभियान के स्थान में तब्दीली की गई। हालांकि बचाव कर्मियों को अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। बचाव कर्मियों द्वारा तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जहाज पर गुरुवार सुबह तक ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। गाइस लापता पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति शहजाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, ब्रिटिश के व्यवसायी हामिस हार्डिंग, पनडुब्बी के संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टोकन रस समेत 5 लोग सवार हैं। फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल अनारी नार्जिलेट भी इस पनडुब्बी में सवार हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल ओशन गेट कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में पत्रकार डेविड पोग ने यात्रा की थी और वो टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचे थे। डेविड ने बताया कि पनडुब्बी के ऊपर स्पोर्ट शिप होता है और दोनों एक दूसरे से टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। गहरे पानी में जीपीएस या रेडियो सिस्टम से बातचीत नहीं हो पाती। उनका कहना है कि पनडुब्बी में बैठे लोग अपने से निकल नहीं सकते, क्योंकि बाहर से पनडुब्बी मजबूती से सील की गई होती है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि सबमर्सिबल पनडुब्बी के पास सीमित ताकत होती है, जबकि एक पनडुब्बी किसी तट से स्वतंत्र तरीके से खुद आने जाने में सक्षम होती है। सबमर्सिबल पनडुब्बी को समुद्र के भीतर जाने और बाहर आने के लिए एक जहाज की जरूरत होती है। ये पनडुब्बी 10,432 किलो की है और ये 13,100 किलोमीटर तक की गहराई तक जा सकती है। इस पनडुब्बी में 8 दिन की यात्रा के लिए 2 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च करना पड़ता है। इस पनडुब्बी से टाइटैनिक के मलबे को समुद्र में 3800 मीटर के नीचे जाकर देखा जा सकता है। गाइस आपका इस सबमरीन के लापता होने पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।